वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में, खुश आमदीद। और बहुत मज़े की गपशप भी चल रही थी, हम कार्टून्स भी देख रहे थे, उसके बाद उसके साथ साथ बहुत मज़े की गपशप भी चल रही थी। और हम भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारा सेट आज, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है शो करते हुए और इस तरह की बातें करते हुए, तो अमूमन हम जो है इस चीज़ को देख बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं कि अच्छा जी क्या एडिशन होनी चाहिए, क्या चीज़ क्या चेंज होना चाहिए। तो ये सारी बातें इसकी, इस टॉपिक पे जो हमारी तवज्जो लेकर गए हैं वो हैं जी अब्दुल्ला मंसूर, क्योंकि आज हमें बताएंगे कि जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, अगर आप कोई भी घर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या अपना कोई भी ऑफिस या कोई भी प्लेस आप डिज़ाइन करना चाह रहे होते हैं, तो स्टेप्स क्या हैं उस तरफ जाने के, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो ये हम अब्दुल्ला से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह आप मुझे, आप भी तो मुझे नहीं कहेंगे कि ये आपने क्या कर दिया, क्या आपने लोगों से पूछा कि हमारे सेट में, पहले तो आप बताएं आपको सेट कैसा लगता है हमारा? मुझे तो सेट बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक जितने भी सेट्स देखे हैं तो डेफिनेटली हर उसकी जो है वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, हर सेट जो है उसकी वो यूनिकनेस है उसके अंदर मौजूद है। और मुझे लगता है हमारे सेट की एक जो यूनिक बात है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वो है कि कलर्स, इसमें बहुत सारे कलर्स का एडिशन है, एनर्जेटिक एनर्जेटिक और बहुत लाइवली सा है। और आप मतलब कोई भी हमारे जो जितने भी मेहमान होते हैं वो जब हमारे सेट पे आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बहुत मज़े की वाइब्स आती हैं यहाँ से, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं, रंगों का भी एक अपना वो होता है ना चार्म। डेफिनेटली, और आई थिंक मॉर्निंग में सुबह सुबह के वक्त जो है ना वो इस तरह की एनर्जी पॉजिटिविटी की जो है ना बहुत शदीद ज़रूरत होती है। सो आई थिंक ये सेट जो है ना वो एग्जैक्टली वही रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब्दुल्ला ने अप्रूव कर दिया ये सेट जो कि बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर ने हमारे सेट को प्रूव किया है जी। अच्छा जी अब्दुल्ला, अभी तो लोगों की मुश्किल होती है, सबसे ज़्यादा उनको मुश्किल हो रही होती है, इंटरनेट पे भी सर्च कर रहे होते हैं लेकिन वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे होते वहाँ पे भी, कि अगर आपकी कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह आप करना चाह रहे हैं डिज़ाइन, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो कि आपको माइंड में रखने, किन किन प्रोसीजर्स को अपने माइंड में रखने, किन किन स्टेप से आपने गुजरना जी? अभी जिस तरीके से मैं भी जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ तो आप समझ लें कि FAQ जो कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि जी हम ये तो करना चाह रहे हैं लेकिन ये कि हम शुरू किस तरीके से करें, ठीक है, मतलब पहला स्टेप क्या ये होना चाहिए कि हम कोई अच्छी सी पेंटिंग खरीद लें, फिर वो वाला फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, या पहले हम सोफे खरीद लें उसके मुताबिक देखें, तो वो जो सारी की सारी चीज़ें ना, आई थिंक हम आज उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से आपने बात की इंटरनेट पे, जब कोई हम सर्च कर रहे होते हैं, द प्रॉब्लम विद इंटरनेट इज़ कि वहाँ पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतना सारा डाटा है, कि उस सारे के सारे डाटा को जो है वो किस तरीके से फ़िल्टर किया जाए और अपने कमरे के मुताबिक या अपने ऑफिस के मुताबिक उसको जो है वो किया जाए, वो जो है बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इस वजह से हमने उसको सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप जो है ना, उसके सात डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो आज हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि चाहे आप रेनोवेशन करना चाह रहे हो, आपका नया घर हो उसका आप इंटीरियर करना चाह रहे हो, तो किस तरीके से उन सेवन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इंटीरियर कर सकते हैं। स्टेप नंबर वन क्या है? सो स्टेप नंबर वन है इसका, वो है जो इसकी केसिंग है, जो इसका शेल है, जिसमें हमारी दीवारें आ जाती हैं और हमारी छत आ जाती है, ठीक हो गया। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा ये होगा। सही। अब दीवारों और छत पे जो है ना वो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा उसको न्यूट्रल कलर की तरफ रखें, लाइट कलर की तरफ रखें, क्योंकि वो हमारी बेस है एक तरीके से, तो ये हमारी प्रेफरेंस होती है। अब दीवार के ऊपर कोई हल्का सा वॉलपेपर लगाना है, कोई हल्का सा टेक्सचर लगाना है, तो ये सारे के सारे डिसीजंस ऐसे हैं जो हम स्टेप नंबर वन में ले रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती है ना कि अच्छा दीवारों को कलर कौन सा आपको करवाना चाहिए, तो उस पे भी मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी हम बात करें कि अगर दीवारों का कलर ऐसा है तो क्या आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने बाकी का फर्नीचर बहुत लाइट रखना है, कलर्स को किस तरह से बैलेंस किया जाए? जी, तो अभी जो हमारे आगे वाले स्टेप्स आएंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें प्लग इन हो रही होंगी, बिल्कुल। लेकिन ये जो आपका भी सवाल है ना, उसको हम अगर इस कैटेगरी में देखें तो जिस तरीके से मैंने मेंशन किया कि थोड़ा सा हम प्रेफर करते हैं कि न्यूट्रल कलर की तरफ रहें, धीमे रंगों की तरफ रहें, तो उस वक्त हमारी प्रेफरेंस जो है वो ये होती है। इस तरीके से जब हम छत की बात करते हैं तो उसके अंदर फॉल सीलिंग करनी है, कोई वुडन एलिमेंट लगाना है छत के ऊपर, कोई कलर करना है छत के ऊपर, कोई और किसी तरह की जो है वो हम और एडिशन करें उसके अंदर, क्या नाम है, कोई और चीज़ करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हम दीवारों और सीलिंग के हिसाब से देख रहे हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर वन। अब जब हम आगे अगले वाले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो फ्लोरिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए,
हमने वुडन फ्लोर करना है, हमने टाइल्स लगाने हैं, उस दिन हमने चिप्स के ऊपर अपना एक सेगमेंट किया हमने था। क्या बहुत अच्छा फीडबैक भी आया था, मैं भी बताती चलूं कि लोगों ने बताया कि आपने जिस तरह से बताया कि आप उसको किस तरह से रख सकते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो अमूमन लोग ये समझते थे कि चिप्स बहुत पुराना एक मटीरियल हो गया है, अब वो चीज़ उस तरह से अब इस मॉडर्न दौर में क्या वो फिक्स होता है, फिट आता है नहीं आता। लोगों ने बड़ा ओन किया और हमें पिक्चर्स भेजी कि उनके ड्राइंग रूम में ये है, उनके घर में ये है, तो बहुत अच्छा उसका फीडबैक आया। बिल्कुल ऐसा ही है, तो आई थिंक ये जो सारे के सारे डिसीजंस हैं, जो केसिंग एक तरीके से जिस तरह हमने इनिशियली भी बात की, तो जो सारी की सारी कमरे की साइड्स है ना वो हमारे इन फर्स्ट टू स्टेप्स में फिर कवर हो जाती है। ठीक हो गया। तो चिप्स आपने करना है, आपने वॉल टू वॉल उसको कारपेट करना है, जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं फ्लोर के हवाले से, मार्बल होगा उसके अंदर, पैटर्न होगा, सादे टाइल्स लगे हुए होंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम स्टेप नंबर टू के तौर पे करते हैं। ओके अच्छा, जब हम अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करें तो हम देखेंगे कि जी जो स्टेप नंबर तीन है हमारा, उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं जो हमारा ऐसा फर्नीचर जिसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, तो हम उन सारा का जो डिसीजन है ना वो हम स्टेप नंबर तीन में जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है। तो उसमें हमारे सोफे आ गए, हमारी कुर्सियाँ आ गई, कोई मूड़ा रखना चाहता है, कोई दीवान रखना चाहता है, तो जो भी ऐसा फर्नीचर है जिसके ऊपर कपड़ा बेसिकली चढ़ा हुआ है, तो वो हम स्टेप नंबर तीन में जो है ना उसका डिसीजन लेते हैं। और इसमें भी मैं मेंशन करता चलूं कि उसमें भी जो है ना वो हम कोशिश करते हैं कि थोड़े से न्यूट्रल कलर्स की तरफ रहें। सही। ठीक हो गया। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स की तरफ, बहुत ज्यादा डार्क कलर्स की तरफ ना जाएं। जी तो फिर डार्क क्या करें उसमें? आगे बताएंगे। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं पहले कह रही हूँ अच्छा ये होगा तो ऐसे कैसे होगा, कह रहे बता तुम आगे हौसला रखें आप। जी जी बिल्कुल। तो ये है, और अगर आपके जहन में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है तो फिर डेफिनेटली ये जो सारा का सारा अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर है, मतलब कि जिसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर आप कुछ थोड़ा सा पैटर्न, कोई फ्लोरल चीज भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे जो है ना ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आप बहुत सारा जो है ना वो पैटर्न्स को इंक्लूड कर सकते हैं, कलर्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और ये जो स्टेप है ना वो है हमारे कुशंस और हमारे कर्टन्स। तो जो भी फैब्रिक है, जो है उसके अंदर जो टेक्सचर होगा, पैटर्न होगा, कलर होगा, उसके साथ हम प्ले करते हुए जो है ना वो इन चीज़ों को जो है ना वो सारा कर सकते हैं। इसके लिए जो हम अपनी जबान में एक टर्म यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एक्सेंट फैब्रिक्स। ठीक है। तो वो जो ना थोड़ा सा एक्सेंट उसके अंदर ऐड हो जाता है। तभी भी हम देख सकते हैं कि वो हमारा जो कुशन रखा हुआ है, वो जो ग्रे चेयर है वो बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है ना, उसका वो न्यूट्रल सा कलर है जो हमारा थर्ड स्टेप था, और जो फोर्थ स्टेप के तौर पे जो हमने उसके ऊपर कुशन रखा है उसके ऊपर हल्का सा कलर भी है, उसके ऊपर हल्का सा पैटर्न भी है, स्ट्राइप्स मौजूद है उसके, क्योंकि आपका जो हमारा सोफा है वो बिल्कुल प्लेन है अगर इस वक्त हम देखें, लेकिन उसके साथ जो उसके ऊपर हमने कुशन ऐड किया है उसमें कलर्स और पैटर्न ऐड कर दिया ताकि वो बिल्कुल स्टैंड आउट करे और अलग एक चीज निखर जी जी। और इमेजिन करें एक सेकंड के लिए जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, और अगर मैं आपसे भी कहूं कि अगर हम इसको अपोजिट कर दें कि अगर हम अपनी चेयर को कहें कि जी उस पर बहुत सारा पैटर्न आ जाए और हम जरा जो कुशन है वो सिंपल सा हो जाए, यही वाली इसी जो पैटर्न अभी एग्जिस्ट करता है इसी को हम अगर इमेजिन करें तो वो थोड़ा सा ना ऑकवर्ड लगेगा। Exactly. तो इसी वजह से जो पैटर्न है वो उसका साइज छोटा हो गया क्योंकि वो कुशन पे, और कुर्सी या जो सोफा है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको जो है ना थोड़ा सा न्यूट्रल कलर्स में म्यूटेड किस्म का होना चाहिए। अच्छा, अमूमन हम ये देख भी रहे होते हैं कहीं पर भी आप जाते हैं, अगर प्रॉपर किसी ने उसको डिजाइन करवाया हुआ होता है अपने ऑफिस को या अपने घर को, तो हम अमूमन देख रहे होते हैं कि ज्यादातर चीजें जो है वो प्लेन ही आ रही होती है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, इनफैक्ट आप अगर बेडशीट्स भी देख रहे होते हैं ना, एक एक अगर माइनर डिटेल्स की तरफ भी जाएं तो जो आपके पिलो कवर्स हैं उनमें पैटर्न और कलर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबीन, उसके बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, और मैं बताता चलूँ कि उसका जो रीजन है वो ये है कि अगर हम बहुत इस तरह की जो लार्जर आइटम्स हैं, जैसा कि सोफा है या आपका कोई बेडरूम है, बेड सेट है, तो अगर हम उसके ऊपर कोई बड़ा बड़ा पैटर्न और कोई बड़ी बड़ी ब्राइट किस्म की चीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उससे इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अच्छा। तो इस वजह से जो है ना वो जो छोटी चीज़ें होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो पैटर्न है, कोई ब्राइट कलर है, कोई स्टेटमेंट आपने ऐड करनी है उस कमरे के अंदर, इंटीरियर के अंदर, तो वो किसी छोटे साइज़ की चीज़ के ऊपर करें, कुशन के ऊपर, ठीक है, तो इस तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो पांचवा नंबर पे जो हमारा पार्ट आता है वो ये आता है कि ऐसा फर्नीचर जिसके ऊपर कपड़ा नहीं चढ़ा हुआ होता, तो नॉन अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर। सही। उसमें हमारी क्या चीज़ें आएंगी? उसमें हमारी टेबल्स आएंगी। तो हमारी सेंटर टेबल है, हमारी साइड टेबल्स हैं, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हमारा पाँचवा स्टेप होता है कि गोल मेज़ होनी चाहिए,
उसकी हाइट थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, हम उसे कॉफ़ी जो इस तरह की स्पेस है उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह की है, कि वो कॉफ़ी टेबल है कि उसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी नीचे हो, उसके ऊपर हमने चीज़ों को सर्व करना है, कोई हमारी रीडिंग टेबल है तो फिर उसकी हाइट उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए स्टैंडर्ड्स के। तो ये जो सारा का सारा फर्नीचर है जिसके ऊपर कपड़े हम नहीं चढ़ाते, वो सारा का सारा फर्नीचर उसका हम करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और अगेन इट डिपेंड्स कि आप क्या कौन सी जगह है जहाँ पर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो मैटर कर रहा होता है कि आपने किस तरह के टेबल रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका मटीरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से अभी हमारे सामने जो टेबल पड़ा हुआ उसके ऊपर ग्लास है, ग्लास टॉप है, लेकिन अगर कोई लाउंज होगा, कोई ऐसी सिटिंग स्पेस होगी, तो मेरी प्रेफरेंस होगी वुडन टेबल हो, बिकॉज वुड जो है ना वो एक थोड़ा सा वार्म्थ का एलिमेंट ऐड करता है। सही। तो जो उसके मटेरियल्स हैं इन सारी की सारी चीज़ों के, वो फिर हम उस वक्त डिसाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लेट्स सपोज अगर हम ड्राइंग रूम की बात करते हैं, अक्सर हम देख रहे होते हैं कि जब, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं और हम बेचारे आपसे सीख रहे होते हैं, साथ में बेचारे लिए एक अच्छी बात है। मेरी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी एक्सपर्ट बन जाएं और व्यूअर्स भी एक्सपर्ट बन जाएं, एटलीस्ट थोड़ी सी सेंस हमारे अंदर आने शुरू हो जाए चीज़ों की। अमूमन हम देख रहे होते हैं कि हम जब ऑफिस भी अपना रेनोवेट करवा रहे होते हैं, उसको भी हम डिज़ाइन करवा रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसमें भी ऐसे ही टेबल्स रख रहे होते हैं कि जैसे कि आपके ड्राइंग रूम में है, या वो वाला फर्नीचर सेलेक्ट हो रहा होता है। तो आपको क्या लगता है, एक ऑफिस स्पेस अगर है वहाँ पर आपने एक लाउंज में लेट्स सपोज एक टेबल ऐड करना है, तो उसकी क्या शेप होनी चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए? एंड देन अगेन मैं कहूँगी कि आप ड्राइंग रूम में भी, और इवन अगर आपने बेडरूम में भी कोई टेबल ऐड करना है, तो वो इन तीनों जगहों पे किस किस शेप्स के टेबल्स होने चाहिए? जो बड़ा आपने अच्छा सवाल भी पूछा, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा आसान उसमें जो है ना बताने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से जो शेप होती है ना, जो फॉर्म होती है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जिस तरीके से जो आपका ड्राइंग रूम है वो एक फॉर्मल स्पेस है, या अगर हम ऑफिस में कोई इस तरह की सिटिंग स्पेस बनी हुई है, तो वो भी ऑफिस भी एक फॉर्मल स्पेस की कैटेगरी में आता है। तो वहाँ पे जो है ना वो हम चीज़ें चाहते हैं कि थोड़े से उसके शार्प एंगल्स हों, शार्प एजेस हों। लेकिन जब बात आती है लाउंज की, घर की, तो वो एक थोड़ी सी नॉन फॉर्मल स्पेस है, जहाँ पे बंदा अपने आराम से होता है, कैजुअल कपड़ों में होता है। तो वहाँ पे जो है ना वो हम प्रेफर करते हैं कि थोड़ी सी उसके अंदर राउंडनेस हो, तो या तो एलिप्टिकल टेबल हो ओवल शेप की, या फिर सर्कुलर टेबल हो, तो वो वाली जो चीज़ है वो लाउंज में ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा बेहतर। और जो भी आप वुडन ही प्रेफर, मैं डेफिनेटली वुडन ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जो आपका बाकी का सारा थीम है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसा ही आपने शीशों से जी जी प्लान किया। तो आजकल तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, ग्लॉस फिनिश के साथ आ गई हैं, हल्का सा जो मार्बल का टेक्सचर के साथ जो टॉप आता है वो उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म वो मैं डेफिनेटली सब लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जहाँ तक लाउंज की बात है, तो उसको थोड़ा सा राउंड सरफेस में इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो अब जो हमारे 5 स्टेप्स हो गए, हमारे आखिर के 2 स्टेप्स रह गए। तो जो स्टेप नंबर 6 है उसमें हमारा फोकस होता है कि जो पेंटिंग्स हैं और जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करें, और उसको जो है ना वो हम कंसिडर करें स्टेप नंबर 6 पे, कि हमारी एक ही बड़ी सी पेंटिंग लगनी है, या हमने 3 छोटी छोटी पेंटिंग साथ करके लगानी है, और डेकोरेटिव आइटम्स कौन से होंगे। तो वो टेबल के ऊपर कौन सी, सेंटर टेबल पर कौन से डेकोरेटिव पीसेज आएंगे, जो साइड टेबल है उसके ऊपर कौन सा डेकोरेटिव पीस आएगा, तो इस तरीके से। और पेंटिंग का कलर क्या होगा, डेकोरेशन पीसेज का क्या कलर होगा, हमें क्या कोई थोड़ा सा गोल्ड का, डल गोल्ड का एलिमेंट ऐड करना चाहिए, या अगर हमारी सारी चीज़ें ग्रे कलर में हैं तो मे बी हम डेकोरेशन पीसेज के थ्रू जो है वो कोई थोड़ा सा येलो कलर उसके अंदर, ब्राइट कलर इनकॉर्पोरेट करें। तो यहाँ पे भी जो कलर की हम बात कर रहे थे उसके साथ हम यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने सोफे की एग्जांपल से दी कि आप उसके अंदर आपने जब येलो कलर और थोड़ा सा पैटर्न ऐड किया तो वो हो गया। लेट्स सपोज हमारे सेट की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंट है ग्लास, तो उसके ऊपर हमने ब्राउन की थीम से चीजें ऐड कर दी हैं, डेकोरेशन पीसेस। डेफिनेटली, और इसमें भी आप देख सकती हैं कि जो सारे के सारे इसके जो हाइट्स हैं इन सारे के सारे डेकोरेटिव आइटम्स की, वो भी वेरी कर रही हैं। अच्छा, ये वाली चीज है, एक इसमें भी जो वो आप लोग डिजाइनर्स कहते हैं ना रूल ऑफ 3 होता है, जी जी, वो फॉलो हुआ बहुत है, जो हमारे सेट पे भी हुआ है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीजें जो है ना, या तो एक हो वो जो हम सीख गई हूँ, जी देखिए आप बिल्कुल ऐसी बात है। तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि ऑड नंबर में चीज़ें हों, तो वो दिखने में जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लगती हैं, ज़्यादा सॉर्टेड लगती हैं, तो इस तरीके से। तो रूल्स ऑफ 3, तो 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो इस तरीके से जो है ना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सही, बिल्कुल सही। जी जी, तो देखिए आपने सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता पिक कर रही हैं, जो कहीं यूज़ हो ना हो चाहे ये एक्सपर्टीज, लेकिन साथ साथ ये कि एटलीस्ट मुझे लगता है कि अब्दुल्ला के बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि शायद ये हमारी फील्ड नहीं है, हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, हमें जब पता करना होगा तो हम किसी एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड ले लेंगे। लेकिन आप हर चीज़ के लिए तो एक्सपर्ट
एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड नहीं ले सकते ना। और सभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद ही से जो अपना एग्जिस्टिंग फर्नीचर है उसी को ही थोड़ा सा टर्न अराउंड करके चेंज करके उसकी सेटिंग उसमें भी कर सकता है। तो वो डेफिनेटली अगर आपको इन बेसिक बेसिक चीज़ों का पता हो तो आप अपने जो एग्जिस्टिंग चीज़ें उन्हीं के साथ इतनी सारी पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली थोड़ा बहुत नॉलेज होना, थोड़ी बहुत सेंस होना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। और एक दूसरे से हम सीख रहे होते हैं इस सेगमेंट से, जैसे कि मैं बता रही होती हूँ कि मुझे नहीं पता होता और मैं भी आपकी तरह सीख रही होती हूँ एक्सपर्ट से, तो आई एम श्योर कि आप लोग भी सीख रहे होंगे, स्पेशली जो हमें सोशल मीडिया पे मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं। और जो अब्दुल्ला आप बताते हैं ना, हमें नेक्स्ट डे इतनी पिक्चर्स आना शुरू हो जाती हैं कि लोग बता रहे होते हैं कि जो चीज़ आपने कही वो चीज़ या उन्होंने की भी होती है पहले से या उनका प्लान होता है, वो हमें मैसेजेस और पिक्चर्स हमें आना शुरू हो जाती हैं, लोग बता रहे होते हैं। डेफिनेटली, और आई थिंक इस पूरे के पूरे सेगमेंट का मकसद भी यही है कि जो इस तरीके से हम नॉलेज को जो है वो आगे फैला सकें और लोग उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, आई थिंक यही एक सक्सेसफुल शो की और एक सक्सेसफुल सेगमेंट की निशानी है। एग्जैक्टली, सो दैट्स गुड। अच्छा, सो आखिरी वाले टॉपिक की बात करें, सो जो हमारा आखिरी वाली चीज़ है उसके अंदर चूंकि अब हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो सबसे आखिर में जो है वो हमारे प्लांट्स आते हैं और हमारी लाइट्स आती हैं कि हमने लैंप रखना है, हमने सीलिंग पे लाइट देनी है, हमारी कोई पेंटिंग लाइट होनी चाहिए जो एक पेंटिंग को जो है वो थोड़े से ज़्यादा ड्रामेटिकली लिट अप कर दे, और हमारे प्लांट्स किस तरह के होने चाहिए। सही। तो अभी भी हम सेट पे भी अगर देखें और ये जो सारे के सारे 7 steps हैं ये हम अपने सेट पे भी इसको देख सकते हैं कि हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखा गया। तो जो प्लांट्स हैं कुछ वो थोड़े से लंबे प्लांट्स हैं, ठीक है ना, वो ज़्यादा टॉल हैं, कुछ जो है वो थोड़े से छोटे प्लांट्स हैं जिस तरीके से मेरे साइड टेबल पर रखा हुआ है, तो इस तरीके से उनकी भी हाइट वेरिएशन के साथ एक इंटरेस्टिंग स्पेस क्रिएट की जा सकती है। और लाइटिंग का जिस तरीके से मैंने कहा कि जहाँ पर जिस तरह की लाइट की ज़रूरत है, पेंटिंग को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो पेंटिंग लाइट, सीलिंग पे फॉल सीलिंग हुई हुई है तो आप स्पॉट लाइट्स दे सकते हैं, तो उसमें भी इतनी सारी की सारी डिफरेंट तरह की वेरिएशंस हैं। तो जो लाइट और प्लांट्स है उसको फिर हम सबसे आखिर में कंसीडर करते हैं कि कहां पे होना चाहिए। वॉल कहीं ऑफिस में आप उस तरह से देख रहे होते हैं तो आपने एक छोटी सी स्पेस बनाई हुई होती है, और अगर आपने एक वॉल क्रिएट की हुई है, उसको आपने डिजाइन किया हुआ है, तो लोग उस वॉल को भी हाईलाइट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर 2 lights ऐड कर दिया, वो हैंगिंग में होती हैं जिससे वो वॉल जो है वो हाईलाइट हो रही होती है साथ साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सारे के सारे 7 steps जिस तरह से किया है, तो ये इस वजह से ये सारे 7 steps बताए गए हैं ताकि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो अगर आप कहें कि जी बस पहला स्टेप मैंने दीवारें और अपनी छत कंप्लीट कर ली, फ्लोर से रिलेटेड जो डिसीजन लेने थे वो step number 2 पे कर लिए, तीसरे पे आगे हमारा ऐसा फर्नीचर जिसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है जैसा कि सोफे और कुर्सियाँ, चौथे नंबर पे हमारा आ गया जो हमारे एक्सेंट फैब्रिक्स हैं जिसमें हमारे कुशंस और कर्टन्स शामिल हैं, पांचवे नंबर पे ऐसा फर्नीचर जिस पे कपड़ा नहीं चढ़ा हुआ होता जिस तरीके से सेंटर टेबल, साइड टेबल्स एक्सेट्रा, छठे नंबर पे हमारी आ गई जी पेंटिंग्स और जो हमारे डेकोरेशन आइटम्स हैं, और 7 नंबर पे फिर हमारा आ गया जो हमारे प्लांट्स हैं और हमारे जो लाइट है। तो ये सारे 7 steps ये सारे स्टेप्स है अब्दुल्ला, अब मेरे दिमाग में जो सवाल थे मैं वेट कर रही थी कि कब ये 7 steps अपने पूरे करेंगे, उसके बाद मेरी क्यूरियोसिटी है और जो मेरे क्यूरियस हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो मैं आपसे पूछूंगी। जी जी, मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह स्टार्ट में बताया, आप मेंशन कर रहे थे बहुत अच्छे से, आपने एक्सप्लेन किया क्योंकि वहीं पर आप मेंशन कर रहे थे कि न्यूट्रल कलर्स में आप जा रहे हैं और बहुत लाइट आपने इनफैक्ट अगर कोई भी चीज़ आपने कहा कि कोई भी कपड़ा या कोई भी चीज़ आप सोफे का भी सेलेक्ट करें तो वो बहुत लाइट होना चाहिए, फिर आप कहते हैं कलर्स से लाइफ ऐड होती है, वो फिर लाइफ किस तरह से ऐड करते हैं, क्या पूरा जब ओवरऑल आप न्यूट्रल कलर्स के साथ जाते हैं एंड में आप डिसाइड करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें ऐड करनी है तो उनसे कलर्स वो कलरफुल चीज़ें ऐड करेंगे जिससे लाइफ आएगी। देखिए अभी भी अगर जो मैंने अभी सारे 7 steps बताए ना, अगर हम इनको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो शुरू के जो तीन चार स्टेप्स हैं उसके अंदर जो है ना वो हम आप समझ लें कि बेस अपनी रेडी कर रहे हैं चीज़ों की, ठीक है, और जो आखिर के जो 3 steps हैं उसको अगर हम देखें तो उसमें जो है ना वो हम उसके ऊपर जो चीज़ें ऑन टॉप ऑफ दोज बेस उसके ऊपर आनी है, हम उसके बारे में बात करें, पेंटिंग्स की बात करें, डेकोरेटिव आइटम्स की बात करें, कुशंस और कर्टन्स की बात करें, तो उसके अंदर जो है ना वो हम सारे के सारे इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। अब जो मैंने ये 7 steps बताए हैं, स्टेप्स तो यही रहेंगे लेकिन डेफिनेटली मिसाल के तौर पर अगर आपके जहन में है कि जी मेरे कमरे में या मेरे लाउंज में एक ब्राइट येलो किस्म का सोफ़ा मुझे लाजमी रखना है क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये कि फिर जो बाकी की सारी चीज़ें आएंगी डिसीजंस उसके बाद जो आपने स्टेप्स लेने, फिर आपने उस येलो सोफे को मद्देनजर रखना है। हाँ, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ आपने येलो आपको बहुत पसंद है अब अब्दुल्ला ने कह दिया तो आप ये कह अच्छा जी ये भी येलो, ये भी येलो, कर्टन्स भी येलो
और उसके बाद आपका जो एक अजीब सी लुक निकल के आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए और रिकमेंडेशंस दी, ये एक सेफ अप्रोच है कि अगर आप घर में खुद से चीज़ें कर रहे हैं तो आप इस तरीके से करके करते रहें चीज़ों को, तो एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ निकल के आएगी। लेकिन डेफिनेटली अगर आप कोई बहुत ही हैवी पैटर्न वाला वॉल पेपर लगाना चाहें दीवार पर, आप वो भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट देन वो स्टेप नंबर वन है, तो फिर जो बाकी के 6 स्टेप्स हैं तो उसमें फिर आपने कंसिडर करने हैं कि जो मेरी जो बाकी के सारे डिसीजंस हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो समटाइम्स बंदा थोड़ा सा फंस जाता है उस तरह की चीज़ों में, तो इसलिए जो मैंने तरीका बताया जो चीज़ वो की है वो थोड़ी सिंपल है और उसमें डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ निकल के सामने। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, बहुत सारे सवाल इस वक्त मेरे माइंड में हैं लेकिन वक्त की कमी के बाइस मैं वो पूछ नहीं सकूंगी, लेकिन मैं आपसे ब्रेक में लाजमी पूछूंगी कि क्या चीज़ किस तरह से हो सकती है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक सेगमेंट करें बजटिंग के ऊपर भी, कि इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर आप कुछ भी डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो आपका घर है या आपको ऑफिस है, तो अक्सर औकात जब आप पैसे बाद में आपको पता चलता है कि आपने कितने पैसे लगा दिए और वो रिजल्ट भी आपको नहीं मिला, और कहते हैं आपने पैसा बहा दिया, क्योंकि आप जब डिजाइन करने लगते हैं बहुत सारे पैसे लग जाते हैं एक एक चीज के ऊपर भी डिजाइन करते हुए। तो मैं चाहूंगी कि बजटिंग किस तरह से की जाती है, एक पूरा सेगमेंट हम इस पर करें कि क्या चीज किस चीज पे हमें ज्यादा पैसा लगाना है, किस चीज पे हमें कम पैसा लगाना है, क्या चीज हम कहाँ से ले सकते हैं और किस तरह से अफोर्डेबल बना सकते हैं, ताकि जो हमारी घर बैठी ऑडियंस है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सबका कंसर्न, डिजाइन आपके माइंड में आते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आ रही होती हैं कि जी हम ऐसा कर दें वैसा कर दें, लेकिन द मेन चीज ये चीज आ रही होती है आपके माइंड में कि आपने किस तरह से अपने इसको बजट फ्रेंडली, आपने पॉकेट फ्रेंडली इसको बनाना है। तो आई रियली वांट कि हम इस टॉपिक को नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हम इस पे करेंगे, और ये बड़ा ही एक हर किसी के लिए एक दुखती रग है कि हर बंदा चाहता है कि जी सबसे मिनिमम कम से कम पैसों में एक बड़ी अच्छी सी चीज हो जाए। तो डेफिनेटली किसी फ्यूचर सेगमेंट में हम इसको कवर करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। हम बढ़ेंगे अपने सोशल मीडिया सेगमेंट की जानिब जिसमें आप हमारे साथ देंगे। अभी सबसे पहले जी प्रोग्राम में पिक्चर शामिल करेंगे। नताशा ने हमें कायदाबाद जिला खुशाब से याद किया है, आइए देखते हैं जी हमें नताशा ने क्या भेजा है। बहुत जबरदस्त, क्या बात है जी। ये वो अक्सर हमें अब्दुल्ला जी भेज रहे होते हैं लोग ना गाँव का मंजर वो सब, तो थोड़ा मुझे ये भी याद आ रहा होता है कि अच्छा जी कितना अरसा हो गया अपने गाँव आप गए। और ये देखें जी जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है जी। अच्छा जी हमारी ऑडियंस ना नेचर के एक बहुत करीब है। अभी आगे भी आप देखते जाएं आपको बहुत अच्छी पिक्चर्स मिलेंगी जहाँ पे प्लांट्स, और बात भी हम कर रहे होते हैं कि कैसे प्लांट्स किस तरह से लाइफ ऐड करते हैं चीज़ों में। अच्छा जी हमें मलिका ने बहादुर नगर से याद किया है, आइए देखते हैं जी आर्टवर्क के पिक्चर्स हैं ये। oh, wow. देखें जी जबरदस्त, क्या बात है। और ये मेरे ख्याल में ये फोटो फ्रेम है आई बिलीव, आप थोड़ा सा अगर इसको एक्सप्लेन कर देती तो मैं वो एक्यूरेटली वो चीज़ बता रही होती, बट आई थिंक ये फोटो फ्रेम है जो हमें आयजा और रुबाब बनाना सिखाती हैं। और ये देखें ये वॉल हैंगिंग है आइसक्रीम स्टिक्स से, आइसक्रीम स्टिक्स को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से हमें आयजा और रुबाब बताती हैं। ये देखें जी ये सब रिसाइकल हुआ हुआ है, तो दैट इज ग्रेट। Exactly. और ये तो अमूमन हम आइसक्रीम खाई स्टिक फेंक दी, तो वो उन्होंने सारी बचा के पता चला कि कितनी सारी आइसक्रीम्स खाई हैं। तो भी देखिए घर की आप वो चीज़ जो हम बजट की और बाद में इन चीज़ों पे बात करेंगे, तो मैं चाहूंगी ऐसे भी हम एग्जांपल्स भी दें साथ साथ कैसे लोग खुद डेकोरेट करते हैं। डेफिनेटली रिसाइकलिंग जो है ना वो आजकल की जो सारा का सारा हमारे 21st सेंचुरी उसमें बड़ी जरूरत है रिसाइकल करने की चीज़ों को। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा थैंक यू सो मच मलिका। लाइबा जावेद ने हमें कराची से याद किया है, आइए देखते हैं जी उन्होंने क्या भेजा है। ये देखिए जी सुभान अल्लाह कैलीग्राफी उन्होंने हमें भेजी है जबरदस्त, और कलर्स का जो इसमें उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है अरे वाह बहुत ही इंट्रिकेट किस्म का काम हुआ है। एग्जैक्टली और इसमें मैं देख रही हूँ कितनी ज्यादा डिटेल्स हैं जी, और ये कैलीग्राफी करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना होता है हर चीज का कि उसकी जो प्रोपोर्शंस हैं और वो सब अल्फाज का, और उसके बाद आप क्या बेस सेलेक्ट करते हैं, कलर्स क्या ऐड करते हैं जिससे वो लव्स जो है वो निखर के सामने आए। वाह जी क्या बात है लाइबा, जबरदस्त काम है आपका, बहुत जबरदस्त जी। मोहम्मद इमरान ने लाहौर से हमें ड्राइंग के पिक्चर्स भेजी, आइए देखते हैं जी इमरान ने क्या भेजा हमें। वाह जी वाह सब हंसी खुशी जंगल में रह रहे हैं। ये एक इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये देखिए जंगल में लोग इतने हंसी खुशी रह रहे हैं, तो हम सबको भी अच्छा हंसी खुशी रहना चाहिए साथ साथ बहुत लाइवली आप देखते हैं लाइफ नजर आई है मुझे इस पिक्चर में, उस ड्राइंग में। वाह जी क्या बात है जी जबरदस्त। ये देखें जी ये मुझे लग रहा है कि इन्होंने डोरा बनाने की कोशिश की है, डोरा द एक्सप्लोरर।
क्या बात है जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच हमें पिक्चर्स भेजने के लिए, मैसेजेस हम प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे। फातिमा ज़ारा ने हमें लाहौर से मैसेज भेजा, फातिमा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सबीना पे, आपको और आपकी सारी टीम को रबीउल अव्वल के चांद की बहुत मुबारक हो, आप सबको भी बहुत बहुत रबीउल अव्वल मुबारक। वो कहती हैं कल का प्रोग्राम बहुत पसंद आया और सबीना पे मैं इंशाल्लाह अपनी मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। अब्दुल्ला, कल के शो में हमने सबसे ये पूछा था, मैंने ये नहीं कहा था कि आपको कम करनी चाहिए या आदत या आपको ज़्यादा करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा मोबाइल के आदि भी हैं। तो जो हमने बात की, हमने कहा कि आप रिफ्लेक्ट करें, आप सेल्फ एनालिसिस करें और आप देखें कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, क्या आप ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या करती हैं, या फिर जो है आपको लगता है ना कि लोग हमें टोक रहे हैं और हम लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो रहे हैं और लोगों के साथ हमारी वो बॉन्डिंग नहीं रह रही। तो अब आज हमें मैसेजेस काफ़ी सारे से आगे भी मैं ऐड करूँगी हमें रिसीव हुए, जहाँ पर लोगों ने अपना सेल्फ एनालिसिस किया और उन्होंने अपना स्क्रीन टाइम देख के बताया। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा जी फातिमा, थैंक यू सो मच। लारेब ने हमें जहलम से याद किया है, लारेब कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मैं अगर अपना फेवरेट सेगमेंट बताऊं तो वो आखिरी सेगमेंट यानी गेस्ट सेगमेंट है, क्योंकि आप मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाते हैं जिससे हमारी रहनुमाई होती है और इसलिए राइजिंग पाकिस्तान का शुक्रिया। बिल्कुल जी, हमारी कोशिश होती है कि हम कहते हैं हम सुपर स्टार्स को बिठाते हैं यहाँ पर, तो सुपर स्टार सिर्फ वो नहीं होते जो स्क्रीन पर आ रहे होते हैं, सुपर स्टार्स वो भी होते हैं जो अपनी कम्यूनिटी के लिए कुछ करें और पाकिस्तान को सर्व करें। तो इस येलो सोफे पे हम उन तमाम लोगों को बिठाते हैं जो कि स्क्रीन पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें या फिर ऑफ स्क्रीन अपना किरदार अदा करें। तो थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। अर्शमान ने हमें फैसलाबाद से याद किया है, अर्शमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सबका पहला सलाम राइजिंग पाकिस्तान के नाम। वालेकुम अस्सलाम, सेट के खूबसूरत रंगों की तरह इस प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट बहुत खूबसूरत हैं, काशिफ सिद्दीकी के सेगमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला, मुश्किल की इस घड़ी में वो किस तरह पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं देखकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जी, काशिफ सिद्दीकी से कल हमने बातचीत की, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा, फुटबॉल की फील्ड में तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ अभी वो आए हुए हैं यूके से सिर्फ पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करने। तो जो एंड में वो मैसेज देकर गए हैं वो हमें यही मैसेज देकर गए हैं कि आपने किस तरह से बढ़ चढ़ कर यूथ किस तरह से इंगेज होकर इस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों की मदद कर सकती है। नायला सुल्ताना ने लकी मरवत से हमें याद किया है, नायला कहती हैं कल जिक्र हो रहा था मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की, तो मोबाइल की कहती हैं कि वो कहती हैं कि एक हद तक इस्तेमाल करना ठीक है लेकिन उसका ज़्यादा इस्तेमाल वो अच्छा नहीं है। वो कहती है अगर ऐसा हो रहा हो तो खुद पर कंट्रोल नहीं है, अगर आपका खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको इसकी एडिक्शन होना स्टार्ट हो जाती है कि आप आदी हो जाते हैं। जिस तरह मैंने बताया था ना कि सोशल मीडिया की अपनी एक दुनिया बन जाती है, आपने अपनी एक दुनिया बसा ली होती है, सो उससे आप निकल नहीं पा रहे होते क्योंकि आप इतने ज़्यादा आपको एडिक्शन होने लग जाती है। वो कहती हैं कि आप सब लोग सोचें और ख़ुद पर कंट्रोल करना सीखें, ये बड़ों और बच्चों सबके लिए ठीक है। बिल्कुल जी, हम सबके लिए है, मेरे ख्याल में मेरे लिए भी है, अब्दुल्ला के लिए भी है, हम सबके लिए है कि हम अपना स्क्रीन टाइम किस तरह से कम करके एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करें। तो इस तरह का जो फीडबैक हमें मिलता है अब्दुल्ला, हम जो डेली एक डिस्कशन, हमारी कोशिश होती है कि हम उस डिस्कशन को ऑडियंस पे छोड़ें और ऑडियंस हमें बताए कि क्या हम ठीक बात करें या नहीं, ताकि एक डिस्कशन रहे, साथ साथ चलती रहे। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इसी तरीके से आपको जो है रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो इंसान के अंदर बेहतरी और तब्दीली नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, और अभी हम आपको और ऑडियंस को लेकर जाएंगे कराची, क्योंकि कराची में हमने पाकिस्तान का बड़ा नाम, और स्पेशली अगर हम पीटीवी की बात करें तो पीटीवी की जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा नाम मंजूर कुरैशी साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे हम, तो बहुत अच्छी गपशप हुई, प्रोड्यूसर भी रह चुके, डायरेक्टर भी रह चुके, उसके साथ साथ एक्टिंग में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया और बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास अभी आप पीटीवी की स्क्रीन पर जो आर्काइव से भी चल रहे होते हैं वो भी आप जब देख रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग जो उनके ड्रामास देख देख कर बड़े हुए, चाहे वो उनकी एक्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे उनके प्रोड्यूस किए हुए या चाहे उनके डायरेक्ट किए हुए हों, तो बहुत उनका बड़ा नाम है, बहुत उनका ज़बरदस्त काम है, उसे बहुत मज़े की गपशप हुई, आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान।